लाइव की अध्यक्षता में संपन्न हुई पंचायत चुनाव संबंधित बैठक, चुनाव को शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक, कोरोना पर प्रभावी लगाम लगाने के दिए निर्देश, कहा बरते सावधानी, जान है तो जहान है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के अंतर्गत प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह ने किया आयोग के 485 प्रकरणों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बिना मास्क लगाए लोगों पर एडीजी जोन अखिल कुमार की गिरी गाज, बिना मास्क के वाहन चला रहे लोगों का किया चालान, वसूला जुर्माना, एडीजी ने कहा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी विधिक कार्रवाई। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई 4 लेन सहित 95 निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने राजघाट क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर मारा छापा, 250 लीटर अवैध कच्ची शराब किया बरामद, तोड़ी सैकड़ों भट्टियां। मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाकर कोरोना पर प्रभावी लगाम लगाने के दिए निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए गुरुवार को 10 विकास खंडों पर भेजे गए मतपत्र, एडीएम फाइनेंस ने कहा 15 अप्रैल को होगा मतदान। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने लोगों से की अपील, कहा लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, कोरोना पर लगाएं लगाम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों को तीसरे दिन भी 3 शिफ्टों में दिया गया प्रशिक्षण, 15 अप्रैल को अपने बूथ पहुंचकर कार्मिक कराएंगे मतदान। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 212 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 22,835। अब तक 369 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 1,114 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह के तहत कॉमर्स विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन, ऑनलाइन व्याख्यान में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रखे अपने विचार। जनपद में जिला अस्पताल सहित 26 बूथों पर 45 साल के ऊपर के पत्रकारों तथा नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन, सीएमओ ने दी जानकारी। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में गुरुवार को खेले गए मैच में सीआईसी क्लब चरगामा ने राजपूत स्पोर्टिंग क्लब पीपीगंज को, संदीप क्लब पीपीगंज ने खोराबार एफसी को तथा सौराष्ट्र क्लब नवापार ने रवि स्पोर्टिंग क्लब कूड़ाघाट को दी शिकस्त। और भाई जी की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित रामकथा में कथा व्यास गोवत्स श्री राधा कृष्ण महाराज ने भगवान श्री राम के वन प्रस्थान कथा का किया वर्णन, भावुक हुए श्रोता।